क्या हुआ जानी? है घूम के आना है, घूम के आना है। तो आज की अपने नए दिन की शुरुआत नए घर में और अपनी नई दोस्त के साथ हुई है। मिलवाऊं आपको अपनी नई दोस्त से। जेनी आजा 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 आजा। ये रही हमारी नई दोस्त जेनी, इसका नाम जेनी है। देखो भूख लगी है इसको थोड़ी सी, ये करके ये इतनी उछल कूद कर रही है। हाँ बस 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 जेनी बस। हाँ पता है मेरे को तेरे लिए लेके आऊंगा, मैं अभी लेके आ रहा हूँ खाना। ये अपना नया घर है, पीछे में बाहर में अपना सामान बिखरा पड़ा है तो वो सेटल करेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मिलते हैं अपन लोग थोड़ी देर में। मैं जेनी को कुछ खिला पिला देता हूँ ताकि ये उछल कूद ना करे, और उसके बाद मैं आपको घर के दर्शन भी कराऊंगा। मुझे छोटे मोटे कुछ काम भी हैं तो मैं वो काम भी पूरे करके आता हूँ, फिर मिलते हैं अपन लोग। ये अपने नए घर के सामने का नज़ारा और ये अपनी आखिरी बाइक। कुछ हालत ख़राब हो गई इसकी बारिश की वजह से, तो अभी इसको मैं फटाफट से थोड़ी साफ़ कर देता हूँ फिर निकलते हैं। जाऊं जा रहा हूं मैं, ठीक है। बाय 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 जैनी। शाम को आता हूं, शैतानी मत करना यहां पे, ठीक है? शांति से बैठी रहना। जैनी को खाना खिला दिया भाई अपन ने, और अभी अपन अपने काम के लिए निकलते हैं। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, अभी टाइम हो रहा है 11:42 AM। एरिया तो काफ़ी खुला है ये, जैसा जिस टाइप के एरिया में मैं प्रताप नगर में रहता था उससे भी अच्छा खासा खुला एरिया है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, और क्या चाहिए एक बाइकर को कि घर से निकले और निकलते ही ट्रैफिक ना मिले। और इधर तो मुझे नहीं लगता थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक मिलेगा, बिल्कुल खुला रास्ता है। बस बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अपने को, पानी भरावा मिलेगा इस वजह से, बाकी तो अपने कोई दिक्कत है नहीं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी ये विधानसभा से होते हुए टोंक रोड जाएंगे, वहाँ पे टाइटन का शोरूम है, तो वहाँ पे एक वॉच दी हुई है रिपेयरिंग के लिए, वो वॉच उठाएंगे फिर जाएंगे सीतापुरा किसी काम से। बहुत काम रहते हैं बहुत, और मैं शायद रास्ता भूल रहा हूँ, यही होगा शायद। धूप निकल नहीं रही, अभी टाइम हो रहा है 1:35 PM, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं लेकिन धूप निकलने का नाम नहीं ले रही। बादल हो रखे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, अच्छा मौसम है वैसे, फिर से किसी लंबी राइड पे निकल जाओ चाहे, पर इस बार नहीं भाई। बहुत राइड है कर ली, अब थोड़े दिन रेस्ट करने का है अपने को। अभी तो फटाफट से जाते हैं टाइटन के शोरूम, फिर सीतापुरा। जी अपन ने वॉच उठा ली है अपनी टाइटन से, और
ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रदेव मेहरबान होने वाले हैं। अरे इंद्रदेव जी सुन लो थोड़ी सी, कल तो मैं नहाया नहीं था, आपने मेरे को नहला दिया था शाम में, आज तो मैं नहा के आया हूँ। कृपा करो लेकिन बूंदाबांदी नहीं। यहाँ से लेंगे यू टर्न एंड विल बी हेडिंग टूवर्ड्स सीतापुरा। सीतापुरा में देख के लग रहा है कि तेज बारिश हुई है। रोड अभी तक गीली है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। कब हुई, कब रुकी? कल शायद यहाँ ओले भी गिरे थे, छोटे छोटे बर्फ के गोले, रिमेम्बर? वही वही। बस अभी अपने सारे काम हो गए, अभी यहाँ अपन एक हाथ चाय पियेंगे फिर वापस से रूम की ओर, मतलब नए घर की तरफ। अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, नए घर की तरफ जाऊँ या पुराने रूम की तरफ, देखते हैं। क्योंकि पुराने रूम पे अभी भी काफ़ी सामान पड़ा है, वो भी शिफ्ट करना है, वो तो खैर बाइक से ही करेंगे। देखते हैं जैसा ठीक लगेगा वैसा कर लेंगे। जैसे ही सीतापुरा में कॉलेज वगैरह सब बंद हुई, एकदम सुनसान सा पड़ गया है, मज़े नहीं आते आजकल सीतापुरा आने में। वो भीड़ नहीं मिलती, वो यार दोस्त, वो बाइक वाला ग्रुप पूरा पिछड़ सा गया है। वरना यहाँ आते थे उतनी बार, मिलना तो होता ही था। कोई ना, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। कुछ अच्छा और करेंगे आगे भी। बाइक चल रही है अपनी बिल्कुल मक्खन, इसका क्रेडिट जाता है सब अपने नौसाद भाई को। जैसे ही अपने को कहीं लंबी ट्रिप मारने का होता है, नौसाद भाई अपनी पूरी गाड़ी चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, चला के देखते हैं। और उनका कहना है कि अपनी घर की गाड़ी अगर सही नहीं होगी तो धिक्कार है फिर बाइकों का काम करने में। अभी तो अपनी बाइक जिन जिन्होंने भी चलाई है सबने यही कहा, यार क्या मक्खन चल रही है, इतनी स्मूथनेस, क्या किया बाइक में, ऐसा क्या लगाया है। जबकि चेन स्प्रोकेट और कोन सेट के अलावा कुछ चेंज किया नहीं था अपन ने। मेंटेन रखो, चलाने का भी मजा आता है, अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जब अपनी बाइक मेंटेन रहती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नए घर की ओर, बैग के अंदर में सामान पड़ा है पुराने वाले रूम से जो लिया था वो, और शाम को एक बार फिर पुराने रूम पे जाएंगे। लैपटॉप भी मैं वहीं छोड़ के आ गया, पुराने रूम पे ही पड़ा है लैपटॉप, तो शाम को लेने को जाएंगे। अरे जैनी भी वेट कर रही होगी अपना, काफी देर हो गई, अकेली है बेचारी। लो भाई पहुंच गए अपने नए घर में। अभी गेट खोलूंगा तब जैनी को देखना, वो वेट ही कर रही होगी कंफर्म। अभी जैसे ही मैं गेट खोलूंगा गर्दन निकाल के खड़ी होगी।
ये खड़ी आजा जैनी आजा, बस बस बोला था ना जैनी, वेट कर रही होगी। कैसी है जैनी? अरे बस बस, अरे बस 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 क्या हुआ जानी? है घूम के आना है, घूम के आना है। फिर से पुराने रूम पे आ गया अपना यही चलेगा 2-4 दिन और, उसके बाद में सब फिक्स हो जाएगा। अभी रात का टाइम हो रहा है, मतलब रात के 8 बजे हैं। बस दिन में जो भी काम थे, छोटे मोटे जो भी थे, वो फ्लैट भी सेट करने में लगे हुए थे तो वो कर दिया। वो घर आपको दिखाऊंगा तो पूरा सेट हो जाएगा उसके बाद में। ऐसे तो बिखरा बिखरा देख के क्या ही मजा आएगा, कचरे जैसे लगेगा। तो ये करके मैंने अभी तक दिखाया नहीं बिल्कुल भी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।